हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड द ट्वेल्थ लेसन ऑफ एट्थ क्लास ऑफ डी ए इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ द लेसन इज अ बैड ड्रीम रिटन बाय जॉन बैरिन स्टूडेंट्स दिस लेसन इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्ले तो जैसे कि एक मैंने बताया ये प्ले है नाटक है तो इसमें कन्वर्सेशन होती है बातचीत होती है आपस में करैक्टर्स की तो उन करेक्टर्स के थ्रू हमें उनकी बातचीत के थ्रू हमें स्टोरी का पता चलता है और जैसे कि नेम हमें इस प्ले का बता रहा है ए बैड ड्रीम यानी कि एक बुरा बुरा सपना तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके टाइटल से पता चल रहा है कि इस प्ले में हमें कुछ ऐसा होने वाला मिलने वाला है जो शायद ड्रीम से रिलेटेड है और वो बड़ा बैड ड्रीम है तो देखते हैं किसको ये ड्रीम आता है और कैसे वो बैड होता है तो देखते हैं सबसे पहले इसके करैक्टर्स इसमें करैक्टर्स हैं जॉर्ज हिल दो बैंक के मैनेजर हैं जेन हिल जो उनकी वाइफ हैं एनी जो उनकी कुक हैं मिस्टर ब्रिग्स द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ़ द बैंक जिसमें वो जॉर्ज हिल जो है बैंक में मैनेजर हैं उनके वो असिस्टेंट मैनेजर हैं और मिस्टर विंटर दो कैशियर हैं उसी बैंक में तो स्टार्ट करते हैं सीन फर्स्ट इसमें थ्री सीन्स हैं तो वन बाय वन सीन को डिस्कस करेंगे देखेंगे कि सीन में क्या प्ले मतलब डिस्कस किया गया है क्या दिखाया गया है इसमें तो सीन फर्स्ट में क्या होता है इट इज़ अबाउट टू ओ क्लॉक ऑन संडे आफ्टरनून संडे आफ्टरनून संडे की बाद की दोपहर के दो बजे के लगभग बजे हुए हैं टाइम हुआ पड़ा है मिस्टर एंड मिसिज हिल यानी कि जो बैंक मैनेजर हैं मिस्टर और मिसिज हिल हैव हैड लंच उन्होंने लंच किया था एंड दे आर ड्रिंकिंग कॉफी इन दट सीटिंग रूम और वो कॉफ़ी पीने जा रहे हैं अपने सीटिंग रूम में बैठते हुए अब वो वहाँ पर क्या होता है मिस्टर हिल कुछ बोल रहे हैं अब यहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू होती है बातचीत शुरू होती है मिस्टर हिल कहते हैं ओह दिस कॉफ़ी इज़ हैज़ ए टेरिबल टेस्ट इस कॉफ़ी का टेस्ट जो है बड़ा ही टेरिबल है बड़ा ही बुरा है वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी एनी जो है उनकी कुक है जो घर में काम करती है उनके अब वो उनको ब्लेम करते हैं कि वो एनी जो है वो गुड कॉफ़ी क्यों नहीं बनाती इट्स क्वाइट ईजी है तो बहुत आसान है बनाना इसे यू कैन शो हर तुम उसे बता सकती हो तुम उसे दिखा सकती हो बनाना कैसे अच्छी कॉफ़ी बनाई जाती है वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं अब मिसिज हिल जो उनकी वाइफ है वो क्या जवाब दे रही है आई हैव शोन हर मैंने उसे दिखाया है कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं यू नो दैट तुम्हें पता भी है शी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर ए फ्यू डेज़ वो कुछ दिनों तक तो अच्छी कॉफ़ी बनाती है एंड देन शी फोर गेट्स अगेन और वह दोबारा से भूल जाती है वो गुड कॉफ़ी को बनाने का तरीका आई एम अफ्रेड शी इज़ इन वेरी क्लेवर और मुझे डर है कि वो ज़्यादा क्लेवर नहीं है होशियार नहीं है समझदार नहीं है कि जल्दी सीख जाए सब कुछ और उसको रिपीट करे जल्दी भूल जाती है वो ऐसी है मिस्टर हिल बोलते हैं यू आर क्वाइट राइट तुम बिल्कुल सही हो शी इज वेरी क्लेवर वो ज़्यादा क्लेवर नहीं है होशियार नहीं है एंड शी इज़ अ बैड कुक वो एक बुरी कुक है बुरी रसोइया है द लंच वॉज़ टेरिबल लंच भी बहुत बुरा था आई वॉन्टिड टू टॉक टू यू अबाउट इट मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था पहले ही मिसिज हिल कहती है मस्ट यू डू इट नाउ अब तुम जरूर कर लो इसे बात को इट संडे आफ्टरनून ये संडे की बात की दोपहर है मिस्टर हिल कहता है नो इट कांट वेट नहीं वेट नहीं हो सकता आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी मुझे तुम्हें एनी के बारे में बात करनी ही पड़ेगी मिसिज हिल बोलती है ऑल राइट टेल मी ठीक है बता दो रेदर सैडली थोड़ा दुख दुखी होकर बोलती है वो उसका मन नहीं था उससे बात करने का अभी इस बारे में लेकिन वो जबरदस्ती कहता है कि बात करनी है तो कर, करनी है तो मिसिज हिल उदास मन से कहती है चलो ठीक है बोल दीजिए मिस्टर हिल बोलता है वेल द ट्रबल इज़ दिस तो ट्रबल ये है मुसीबत ये है पीपल कम टू आवर हाउस लोग हमारे घर में आते हैं दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड वो डिनर के लिए हमारे घर में आते हैं और उन्हें बुरा खाना मिलता है हमारी कुक जो बनाती है बुरा खाना वो उन्हें मिलता है वट डू दिस पीपल थिंक थिंक ऑफ मी ऐसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे कोलीग्स आते हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इनके घर में कैसा खाना मिलता है आई एम देयर बैंक मैनेजर आफ्टर ऑल मैं उनका बैंक मैनेजर हूँ यानी कि इस बड़ी पोस्ट पे हूँ और मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं कॉफ़ी पीते हुए मिसिज हिल रिप्लाई करती है बट वट कैन आई डू जॉर्ज लेकिन जॉर्ज मैं क्या बात मैं क्या कर सकती हूँ इसमें आई नो द फूड इज़ इट वेरी गुड मुझे पता है कि खाना अच्छा नहीं था नेक्स्ट टाइम आई विल कुक द डिनर माई सेल्फ अगली बार अगर तुम्हारे घर तुम्हारे कोई गेस्ट आएंगे तो मैं उनके लिए खाना खुद बना दूंगी माई सेल्फ मतलब स्वयं बना लूँगी मिस्टर हिल बोलता है नो यू कान डू डू दैट नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती यू आर माई माई वाइफ तुम मेरी वाइफ हो यू मस्ट मीट दीज पीपल तुम्हें मेरे साथ रह के उन लोगों से मिलना होता है यानी कि तुम्हें मेरे साथ देना होता है कोई आता है तो उनको रिसीव करना होता है यू कैन स्पेंड योर टाइम इन द किचन तुम उस टाइम को किचन में स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम तुम्हें उनसे मिलना जुलना होता है मेरे फ्रेंड से मेरे गेस्ट से मिसिस हिल बोलती है वट इज़ द आंसर दैन तो क्या जवाब है फिर इसका क्या करना चाहते हो तुम मिस्टर बोलता है इट्स ईजी बहुत आसान है वी मस्ट गेट ए न्यू कुक हमें नई कुक रख लेनी चाहिए मिसिज हिल बोलती है बट एनी हैज़ बिन विद फॉर ए लॉन्ग टाइम लेकिन एनी जो है बहुत लंबे टाइम से हमारे घर में काम कर रही है जॉर्ज नियरली ट्वेंटी ईयर्स और लगभग बीस साल हो गए उसको हमारे घर में काम करते हुए वी कॉन्ड डू दिस टू हर हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते शीजेंट यंग वुमेन वो एक जवान औरत भी नहीं है नाउ हाउ विल शी फाइंड ए न्यू जॉब अब उसे इस उम्र में जॉब कहाँ मिलेगी इसने अब उसको जॉब कौन देगा मिस्ट्री बोलते हैं आई नो आई डोंट नो मुझे नहीं पता शी मस्ट गो उसे जाना ही जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ फैडप हो चुका हूँ उससे थिंग्स आर डिफरेंट नाउ अब चीज़ें बदल चुकी हैं आई एम द मैनेजर ऑफ बिग बैंक मैं एक बड़े बैंक का मैनेजर हूँ वी मस्ट हैव ए गुड कुक हमारे पास एक अच्छी कुक होनी ही चाहिए जिससे कि मेरी रेपुटेशन बनी रहे मिसी हिल बोलती है यू आर डिफरेंट नाउ तुम अब बदल गए हो जॉर्ज यू हैव चेंज तुम चेंज हो गए हो यू डोट केयर अबाउट पीपल तुम लोगों की परवाह नहीं करते अब जैसे पहले तुम अच्छे हुआ करते थे अब तुम बिल्कुल रिजिड हो गए हो मिस्टर हिल बोलता है आई केयर अबाउट द बैंक मुझे सिर्फ बैंक की परवाह है मैं सिर्फ बैंक की केयर करता हूँ एंड आई केयर अबाउट आवर कस्टमर्स और मैं अपने बैंक के कस्टमर्स की ही केयर करना चाहता हूँ मुझे नहीं परवाह कि किसी के साथ कुछ भी हो सो एनी मस्ट गो इसलिए एनी को जाना ही पड़ेगा एक्सप्लेन द मैटर टू हर उसे ये बात समझा दो इस मैटर के बारे में उनको एनी को समझा दो शी विल अंडरस्टैंड वो समझ जाएगी गिव हर थ्री मंथ्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसे एकदम से हटा दो उसको तीन महीने दे दो शी कैन फाइंड ए न्यू जॉब इन दैट टाइम इस इतने टाइम में उसको नई जॉब मिल ही जाएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस मामले में वो चाहता है कि वो हटा दिया जाए इसको एनी को मिसिज हिल अनविलिंग है इस चीज़ को करने में लेकिन वो अप्लाई करती है इट वॉन्ट बी ईजी ये ईजी नहीं है इतनी जल्दी आसानी से जॉब मिलना अब उसको जॉब कौन देगा उसको बार बार वो रिप्लाई करती है मिस्टर हिल कहता है विल यू टेल हर टुडे क्या तुम उसे आज ही बता दोगी ये सब मिसिज हिल कहती है कॉन्ट आई डू इट टू मोरो क्या मैं इसे कल नहीं बता दूँ आज ना तो कल ही बता देती हूँ मिस्टर हिल बोलता है नो यू विल फोरगेट अबाउट इट तुम इसे भूल जाओगी डू इट टूडे इसे आज ही कर दो मिसिज हिल कहती है ऑल राइट अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है आई स्पीक टू हेर टुडे मैं उसे आज ही बात करूँगी और वो लास्ट में उसके लिए बोलती है पुअर वूमेन बेचारी औरत, क्या हो रहा है बेचारी के साथ मिस्टर हिल कहता है आई फील रेदर थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं थका हुआ लग रहा है मुझे अपने आप को आई थिंक आई विल हैव ए लिटिल स्लीप मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी एक झपकी ले लेनी चाहिए नींद ले लेनी ले 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 चाहिए थोड़ी सी एक नैप ले लेनी ले 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 चाहिए मिसिज हिल कहती है यू स्टे स्टेयर तुम यहां ठहरो आई हैव समथिंग टू डू मुझे कुछ करना है काम करना है आई वॉन्ट डिस्टर्ब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी तो आगे क्या होता है डिस्प्ले में मिसिज हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम मिसिज हिल रूम से चली जाती है मिस्टर हिल पुट्स इज़ फीट ऑन द चेयर मिस्टर हिल जो है अपने चेयर चेयर पर जो सामने वाली चेयर है उसमें अपने फीट को रख लेते हैं जैसे पिक्चर में दिख रहा है हमें एंड क्लोज इज आई और अपनी आँखें बंद कर लेते हैं ही इज़ सून स्लीप ए स्लीप वो जल्दी ही गहरी नींद में चले जाते हैं अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट सीन ख़त्म होता है सेकेंड सीन स्टार्ट होता है तो देखते हैं आगे क्या होता है सेकेंड सीन में हम देखते हैं मिस्टर हिल इज स्टिल एस्लीप मिस्टर हिल जो हैं अभी भी सोए हुए हैं देर इज़ अ नोक एट द डोर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है कोई खटखटाहट हो खटखटाहट होती है कोई खटखटाता -खट है, खट है दरवाजे को मिस्टर हिल ही द द एंड वेक्स अप मिस्टर हिल नॉक्स को सुनते हैं खटखटाहट को सुनते हैं और जाग जाते हैं मिस्टर हिल कॉलिंग आउट चिल्लाते हुए बोलते हैं हु इज़ कम इन कौन है वहाँ अंदर आ जाओ टू मैन कमिंग टू द रूम दो आदमी रूम में अंदर आ जाते हैं द फर्स्ट इज ब्रिग्ज पहला ब्रिग्स है कौन है जैसे हमने करैक्टर शुरू में डिस्कस किए थे द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक उसी बैंक का असिस्टेंट मैनेजर जिसमें वो जॉर्ज जो, जो है मैनेजर हैं द सेकेंड इज विंटर द कैशियर और दूसरा आदमी विंटर है जो उस बैंक में कैशियर है ब्रिग्स बोलता है गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी क्या हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया क्या आप ऐसा लगा कैसा क्या ऐसा है क्या हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मिस्टर हिल कहता है वाई इट्स ब्रिक्स क्यों इट्स ब्रिक्स एंड विंटर ये ब्रिक्स और विंटर हो इनफैक्ट आई वॉज हैविंग ए लिटल स्लीप असल में मैं एक छोटी नींद ले रहा था यानी कि मैं थोड़ा सा सो गया था वट इज वट इज़ इट क्या ये इज़ इट समथिंग इम्पोर्टेंट क्या कोई ज़्यादा ज़रूरी काम था जो तुम इतनी संडे को दोपहर तो में आ गए ब्रिक्स बोलता है इट इज़ रैदर इम्पोर्टेंट सर ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर इसलिए हमें आना पड़ा मिस्टर हिल पूछते हैं आई होप इज एंड ट्रेवल उम्मीद है कोई मुसीबत वाली बात ना हो कोई परेशानी वाली, वाली बात ना हो अब वो मजाक में कहते हैं द बैग इज एंड फायर क्या बैंक में आग लग बैंक बे, में आग तो नहीं लग गई है इज इट कैसा है मिस्टर हिल लाफ्स एट हिज जॉक मिस्टर हिल जो हैं मैनेजर जो हैं जिनसे जो उनके घर में वो आए हुए हैं वो अपने ही जॉक पे हंसते हैं ब्रिक्स एंड विंटर डो नॉट लाफ लेकिन ब्रिक्स और विंटर जो आए हुए हैं वो हंस हंसते है नहीं हैं उसके जोक पे ब्रिक्स पूछता है कहता है नो सर द बैंक इज इन इज एंड ऑन फायर बैंक में आग नहीं लगी है बट वी हैव टू सी यू लेकिन हमें आपसे मिलना था वी वॉन्ट टू टॉक टू यू हम आपसे हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं मिस्टर को कहते हैं टूडे इट्स संडे आज आज तो संडे है कांट इट वेट क्या वेट नहीं हो सकती क्या इंतजार नहीं हो सकता इस बात के लिए यू कैन टेल मी मोरो कल तो मुझे इसके बारे में बता देना कमेंट सी मीन माय ऑफिस कल मेरे ऑफिस में आ जाना और मुझसे बात कर लेना इस बारे में विंटर कहता है इट कांट वेट इसकी वेट नहीं हो सकती सर इंतज़ार नहीं हो सकता सर इस बात के लिए वी मस्ट टॉक टू यू टूडे हमें आपसे आज ही बात करनी पड़ेगी इस बारे में कोई ज़रूरी मैटर है जिसके बारे में वो सडनली आए हैं और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आज ही इसके बारे में बात करें मिस्टिल कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आ रहा वेस इट डाउन ठीक है बैठ जाओ बोथ ऑफ यू दोनों द टू मैन सिट डाउन दोनों मैन बैठ जाते हैं नाउ व्हाट्स द मैटर अब बताओ बात क्या है अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सीरियस डिस्कशंस ही हो रही है तो आगे ब्रिक्स बोलता है इट इज़ नॉट इजी टू बिगिन सर आसान नहीं है सर इस बात को शुरू करना विंटर कहता है आई टेल हिम ब्रिक्स क्या मैं ब्रिक्स को कहता है ब्रिक्स क्या मैं बता दूँ वन ऑफ अस मस्ट डू इट हमें से किसी एक को तो बताना ही पड़ेगा यानी कि कोई ही ज़्यादा ही सीरियस मैटर है जो नहीं एक दूसरे को देख रहे हैं कौन बताएगा अब ब्रिक्स कहता है नो आई वेल डू इट नहीं ठीक है मैं ही बताऊँगा आई एम द असिस्टेंट मैनेजर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ वेल सर वी थिंक यू वॉट टू रिज़ाइन ठीक ठीक है सर मैं बोलता हूँ हमें लगता है कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए हमें लगता है आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए मिस्टर हिल इन ए वेरी सरप्राइज वॉइस उसकी वॉइस जो है मिस्टर हिल की बड़ी सरप्राइजिंग हो जाती है ये हैरान ये यह है कि एकदम से क्या बोल रहे हैं मेरे जूनियर रिजाइन रिजाइन लीव द बैंक बैंक छोड़ दूँ वट आर यू टोंकिंग अबाउट क्या बात कर रहे हो तुम इजी से जॉक ब्रिग्स क्या तुम जॉक कर रहे हो ब्रिक्स ये कोई बात है तुम्हें मतलब कैसे कह दिया तुमने मेरे को कि मैं बैंक छोड़ दूँ रिज़ाइन कर दूँ ब्रिक्स कहता है नो इट इज़ नॉट ए जॉक नहीं सर ये जॉक नहीं है मिस्टर हिल सिटिंग अप इन द चेयर चेयर पर बैठते हुए मिस्टर हिल एकदम से चपक जाता है एकदम से उसका माथा ठनक जाता है क्या हो गया ये नाव वन मिनट प्लीज़ अब एक मिनट प्लीज़ इट्स संडे आफ्टरनून ये संडे की दोपहर है संडे की दोपहर का बाद का टाइम है यू कम टू माई हाउस तुम मेरे घर आ रहे हो इस टाइम पे एंड डिस्टर्ब मी और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो देन यू टेल मी दैट आई ऑट टू रिज़ाइन और तुम उसके बाद मुझे कह रहे हो उसके बाद भी मुझे कह रहे हो कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए ये क्या बात हुई बड़ी नॉनसेंस वाली बात है ये तो विंटर रिप्लाई करता है वी आर वेरी सॉरी सर हमें बड़ा दुख है सर वी नो इट्स संडे हमें पता है कि आ संडे है बट वी हैव टू टैल यू लेकिन हमें आपको बताना ही था मिस्टर कहता है बट यू कॉन्ट डू दिस लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते आई एम द मैनेजर मैं मैनेजर हूँ यू आर ओनली दसिस्टेंट मैनेजर ब्रिक्स तुम केवल एक असिस्टेंट मैनेजर सो ब्रिक्स मैं मैनेजर हूँ मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ एड विंटर इज ओनली द कैशियर और विंटर सिर्फ कैशियर है बैंक में वो तो उससे भी छोटी पोस्ट पर है यू कॉन्ट स्पीक टू मी लैक दिस तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते तो मेरा रिजाइन नहीं मांग सकते मेरा सीनियर कोई मुझसे मांगे तो बात अलग है तुम सुबार्डिनेट हो और तुम उससे रिज़ाइन के लिए कह रहे हो क्या वजह है ये कैसी बात हुई ब्रिक्स कहता है वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर हम ये सब बैंक के लिए कर रहे हैं सर विंटर कहता है इट विल बी ए गुड थिंग फॉर द बैंक सर बिलीव मी ये बैंक के लिए अच्छा रहेगा सर मेरा विश्वास कीजिए अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं तो मिस्टर हिल स्टैंडिंग अप वो चेयर से खड़ा होकर एकदम हैरानी से बोलता है आई हैव हैड इनफ गो होम ये तो बहुत ज़्यादा हो गया घर चले जाओ बोथ ऑफ यू तुम दोनों टेक ए हॉलीडे छुट्टी ले लो टमोरो कल की यू बोथ नीड ए रेस्ट तुम दोनों पागल हो गए हो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तुम्हारा दिमाग हिल गया है तुम रेस्ट कर लो कल की छुट्टी लेके ब्रिक्स कहता है वी आर ऑल राइट सर हम ठीक हैं सर वी डो नॉट नीड ए हॉलीडे हमें हॉलीडे की जरूरत नहीं है हमें छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है हम सीरियस हैं विंटर बोलता है वट वी वी वट वी मस्ट हैव टू आंसर टुडे लेकिन हमें आज ही आंसर चाहिए सर विल यू रिज़ाइन क्या आप रिज़ाइन करोगे मिस्टर हिल सीटिंग डाउन अगेन वो दोबारा से चेयर पे बैठते बैठ जाता है तंग हो कि यह क्या हो रहा है बार बार ये मेरे से रिज़ाइन क्यों मांग रहे हैं बड़ा नर्वस है वो इट्स लाइक ए बैड ड्रीम ये तो बुरे सपने की तरह है वाई मस्ट आई रिज़ाइन मुझे क्यों जरूरी मतलब ऐसा क्यों जरूरी है कि मुझे रिज़ाइन ही करना है वट हैव आई डन मुझे मैंने किया क्या है टेल मी दैट मुझे ये बताओ क्या हो गया मेरे से मैंने क्या कर दिया सर जो मेरे को मेरे से तुम बार बार रिज़ाइन करने के लिए कह रहे हो ब्रिक्स कहता है यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर तुम बैंक को आप बैंक को अच्छी तरह कैसे मैनेज नहीं कर पा रहे सर इसलिए आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए मिस्टर हिल एंगरली गुस्से में आ जाता है वो अब क्या कहता है अफकोर्स आई मैनेज द बैंक वेल बिल्कुल मैं बैंक को मैनेज सही तरीके से कर रहा हूँ थाउजेंड ऑफ पीपल यूज़ आवर बैंक हज़ारों लोग हमारा बैंक यूज़ करते हैं बिज़नेस इज़ वेरी गुड हमारे बैंक का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है ब्रिक्स कहता है ओह वी नो दैट सर ओह हमें पता है सर बट वी डू ऑल दर्क लेकिन हम सब सारा काम करते हैं दे यूज़ आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड वो जो लोग हमारा बैंक यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं विंटर कहता है एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक लेकिन आप बैंक के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते यू आर नाइस टू द कस्टमर्स आप कस्टमर्स के साथ तो अच्छा अच्छा रहते हो नाइस रहते हो बट नॉट टू अस लेकिन हमसे अच्छा बर्ताव नहीं है आपका नो वन लाइक्स यू हमारे में से कोई भी आपको पसंद नहीं करता मिस्टर हिल कहता है ओ आई नो दे डोंट लाइक मी हाँ मुझे पता है वे मुझे पसंद नहीं करते कस्ट जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं दे हैव टू वर्क हार्ड उन्हें मैं उन्हें मेहनत करने के लिए कहता हूँ एंड दे डोंट लाइक दैट और उन्हें ये पसंद नहीं है कि मैं उनको ऐसा कुछ करने के लिए कहूँ विंटर कहता है बट यू डो डो नॉट वर्क हार्ड सर लेकिन आप तो वर्क हार्ड नहीं करते सर हम तो करते हैं आप तो करते ही नहीं हो मिस्टर बोलता है अफकोर्स आई डू बिल्कुल मैं करता हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ ब्रिक्स कहता है ओ नो सर फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग एग्जाम्पल के तौर पर आप हर रोज सुबह लेट आते हो ऑफिस में विंटर कहता है एंड यू ऑफन लीव अर्ली और अक्सर आप जल्दी चले जाते हो बैंक से ब्रिक्स आगे बोलता है एंड यू टेक टू और थ्री आवर्स टू और लंच दो से तीन घंटे आप लंच में लगाते हो वी स्पेंड ऑल डे इन द बैंक बट यू आर नेवर देयर हम सारा दिन बैंक में स्पेंड करते हैं लेकिन आप कभी भी बैंक में सही तरीके से हमें नहीं मिलते मिस्टर बोलता है बट आई एम द मैनेजर लेकिन मैं मैनेजर हूँ दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब ये मेरे काम का हिस्सा है आई हैव टू लुक आफ्टर इंपॉर्टेंट पीपल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से डील करनी पड़ती है उनको उनकी देख रेख करनी पड़ती है आई हैव टू हैव लंच विद दैम कई बार मुझे उनसे लंच उनके साथ लंच करना पड़ता है इट्स गुड फॉर बिजनेस और ये बिजनेस बैंक के बिजनेस के लिए भी अच्छा है तो इसलिए मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है लंच वगैरह में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपनी लेकिन वो टस से मस नहीं है वो बिल्कुल जिद कर रहे हैं इसके डिज़ाइन के लिए ब्रिज बोलता है इट्स प्लेजर सर ये बड़ी खुशी की बात है सर यू आर यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड लेकिन असल में आप अच्छे खाने के शौकीन हैं इसलिए आप लंच में टाइम लगाते हैं मिस्टिर बोलता है आई वॉन्ट लिसन टू दिस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहूँगा विंटर बोलता है बट यू मस्ट लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा मिस्टर फिल बोलता है आई शैल राइट इट टू हेड ऑफिस अबाउट यू मैं तुम्हारे बारे में हेड ऑफ़िस को लिखूंगा कि तुम मुझसे ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे हो देन यू विल हैव टू रिज़ाइन फिर तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा कहाँ तुम मुझसे रिज़ाइन मांगने आ रहे हो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा रिक्स बोलता है वी हैव ऑलरेडी रिडन अबाउट यू सर लेकिन मैं हमने पहले ही आपके बारे में हेड ऑफिस को लिख दिया सर विंटर बोलता है यस सर वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्रीड विदर्स और हमने सारा मैटर उनको एक्सप्लेन कर दिया हेड ऑफिस को और वो हमसे एग्री भी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप आप रिज़ाइन करें मिठिर बोलता है वट यू हैव रिटर्न टू द हेड ऑफ़िस बिहाइंड माई बैग क्या तुमने हेड ऑफिस को पहले ही रिटर्न राइट right कर दिया लिख दिया है और मेरे पीठ पीछे मुझसे बिना बताए ब्रिक्स बोलता है वी हैड टू डू डू इट सर हमें ऐसा करना पड़ा सर वी आर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक हम केवल बैंक के बारे में ही सोच रहे हैं कि बैंक का बुरा ना हो बैंक का भला हो विंटर बोलता है एंड दे एग्री यू मस्ट रिज़ाइन और वो हमारी बात से सहमत है कि आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा मिस्टर हिल सक पकाते हुए क्या हो गया ये बट दे कॉन्ट डू दिस टू मी लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आई हैव स्पेंड थर्टी ईयर्स इन द बैंक मैंने तीस साल बैंक में बिता दिए हैं तीस साल की सर्विस हो गई मेरी बैंक में ब्रिक्स कहता है थिंक ऑफ द बैंक सर अब बैंक के बारे में सोचो सर इट विल बी एप्पियर प्लेस विदाउट यू ये एक अच्छी जगह होगी अगर आप वहाँ पर नहीं होंगे यानी कि बैंक बहुत अच्छा चलेगा अगर आप वहाँ पर नहीं होंगे आप रिज़ाइन कर दोगे तो मिस्टिल कहता है बट वट आई एम गोइंग टू डू लेकिन अब मैं क्या करूंगा आई एम नॉट ए यंग मैन अब मैं जवान भी नहीं हूँ हाउ कैन आई फाइंड ए न्यू जॉब अब मुझे नई जॉब कहाँ मिलेगी विंटर कहता है ओ यू विल फाइंड समथिंग सर ओ तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी सर अ जो भी नहीं एन ऑफिस किसी ऑफिस में जॉब मिल जाएगी आपको ब्रिक कहता है एंड यू कैन हैव टाइम सर और आपके पास टाइम भी है सर टू और थ्री मंथ्स दो से तीन महीने यू विल बी एबल टू फाइंड इट न्यू जॉब और आपको नई जॉब मिल जाएगी मिस्टिल कहता है आई एम नॉट श्योर लेकिन मुझे नहीं पक्का लगता मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा मुझे कोई जॉब मिलेगी ब्रिक्स कहता है बट यू प्रोमिस टू रिज़ाइन डोंट यू सर लेकिन क्या आप रिज़ाइन के लिए प्रोमिस करते हैं क्या ऐसा नहीं कर रहे हो आप सर यानी कि आप रिज़ाइन कर ही रहे हो ना सर वो बार बार कहता है उसको मिस्टिल कहता है वेल आई मस्ट ठीक है मुझे करना पड़ेगा द एड ऑफिस एग्रीज विद यू अगर एड ऑफिस तुमसे एग्री कर रहा है तो विंटर कहता है थैंक यू सर ब्रिक्स कहता है वी आर सॉरी अबाउट दिस सर लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप ब्रिक्स और विंटर जो हैं खड़े हो जाते हैं ब्रिक्स कहता है यू विल कम टू द ऑफिस टमोरो वॉट यू सर क्या आप कल ऑफिस में आओगे क्या नहीं आओगे सर मिस्टिल कहता है अराइज आई विल बी देयर अरे यस ठीक है कल आ जाऊँगा बड़ी दबी आवाज में कहता है विंटर कहता है बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर लेकिन वो अब उस पर ताना मारता हुआ कहता है विंटर लेकिन सर कल टाइम पर जरूर आना तो इस तरीके से उसकी यहाँ पे बेजती करता है ब्रिज एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट ब्रिग्स और विंटर उसको गुड आफ्टरनून कह के बाहर चले जाते हैं मिस्टर हिल सिट्स विद हिज हैड इन हैंड्स अब वो दोबारा से चेयर पे बैठ जाता है अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ के आफ्टर ए टाइम मिसिज हिल कम्स इन कुछ टाइम बाद मिसिज हिल अंदर आती है शी इज़ वियरिंग हैवी कोट वो एक बड़ा वजनदार कोट पहने हुए है एंड शी हैज़ ए बैग इन हर हैंड और उसके हाथ में एक बैग है मिस्टर हल हिल लुकिंग अप मिस्टर हिल जो है उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ओ इट्स यू ओ ये तुम हो डियर ब्रिग्स एंड विंटर वर हेयर ब्रिग्ज और विंटर यहाँ पर आए थे दे लेफ्ट ए शो टाइम अगो थोड़े टाइम पहले ही वो यहाँ से गए हैं बिश जिल कहती है यस आई सा दैम वैन दे वर गोइंग आउट हाँ मैंने देखा जब वो बाहर जा रहे थे मैंने उन्हें देख लिया था विस्टर कहता है दे केम टू टेल मी समिंग इट इज एट वेरी प्लेजेंट वे उसे कुछ कहने के लिए आए थे और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था प्लेजेंट नहीं था आफ्टर ए मोमेंट कुछ टाइम बाद उसने बोला आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक कि मुझे बैंक से रिजाइन करना पड़ेगा उन्होंने मुझको ऐसी खबर दी मिसिज हिल कहती है येस आई नो हाँ मुझे पता है मिस्टर हिल सरप्राइज मिस्टर हिल हैरान होते हुए कहते हैं डू यू नो ऑलरेडी क्या तुम्हें पहले से पता था मिसिज हिल कहती है यस दे टोल्ड मी हाँ उन्होंने मुझे बता दिया था मिस्टर हिल कहते हैं दे कूडन्ट वेट वो वेट भी नहीं कर सकते डिड दे टेल यू द रीज़न टू क्या उन्होंने तुम्हें रीज़न भी बता दिया इसके लिए मिसिज हिल कहती है येस yes, द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू बैंक के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते आई एम नॉट वेरी सरप्राइज और मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं है कि आप हो ही ऐसे मिस्टर हिल कहते हैं आई है स्पेंड ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई जॉब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बैंक में बिता दी और मुझे अब जॉब खोनी पड़ रही है अपनी मिस्टर हिल नोटिस दैट द वाइफ इज़ विियरिंग ए कोर्ट अब मिस्टर हिल को नोटिस होता है कुछ एहसास होता है नोटिस करते में क्योंकि वाइफ एक कोट पहने हुए हैं कोट जो है ज़्यादातर जब पहनते हैं जब बाहर जाते हैं है, घर से बाहर जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर या कहीं दूर अब वो देखता है वो उसने कोड डाला हुआ है तो कहीं बाहर जा रही है ये मिस्टर बोलते हैं ओ आर यू गोइंग आउट क्या तुम बाहर जा रही हो ही सीज द बैग टू उसके हाथ में बैग भी देखता है वो ये कहाँ जा रही है तैयार होके एंड यू हैव गोट ए बैग वेर आर यू गोइंग और तुम्हारे पास बैग भी है कहाँ जा रही हो तुम तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पे कन्वर्सेशन इनकी चल रही है इस बारे में अब मिसिस हिल बोलती है आई नीड ए हॉलीडे मुझे छुट्टी चाहिए आई एम गोइंग टू स्पेंड ए फ्यू डेज़ विद माई सिस्टर मैं अपनी बहन के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ कुछ दिन बिताने के लिए जा रही हूँ मिस्टर कहता है एट दिस टाइम इस टाइम पे बट आई नीड योर हेल्प नाउ लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अब मेरी नौकरी नौकरी छूट रही है और तुम भी जा रही हो मिसिज हिल कहती है आई कैंट हेल्प यू मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती एंड आई मस्ट हैव ए हॉलीडे और मुझे जरूरी हॉलीडे पे जाना ही पड़ेगा आई कांट वेट मैं वेट नहीं कर सकती मिस्टर हिल कहते हैं बट यू कैन हैव ए हॉलीडे लेटर लेकिन तुम बाद में भी तो छुट्टी पर जा सकती हो वी विल गोट टूगेदर हम इकट्ठे जाएंगे मिसिस दिल कहती है वेर विल यू गेट द मनी फॉर ए हॉलीडे अब तुम हॉलीडे के लिए पैसे कहाँ से लेके आओगे तुम्हारी नौकरी तो छूट गई है यू हैव लॉस्ट यूअर जॉब तुमने अपनी नौकरी खो दी है और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे इट वॉन्ट बी ईजी टू फाइंड इन न्यू वन क्या ये आसान है नई जॉब ढूंढना नई जॉब मिलना यू आर नॉट ए यंग मैन अब तुम जवान भी नहीं हो तुम्हें नौकरी कहाँ मिलेगी मिस्टर बिल कहते हैं आई हैव गोट थ्री मंथ्स मेरे पास तीन महीने हैं आई विल फाइंड समथिंग मुझे कुछ मिल ही जाएगी मिसिस हिल कहते हैं कहती है आई होप यू आर राइट मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो आपकी बात ठीक हो आपको मिल जाए नौकरी मिस्टर कहते हैं यू आर लिविंग मी बिकॉज आई एम ट्रबल आई मे इन ट्रबल तो मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि मैं मुश्किल में हूँ मुसीबत में हूँ वैन आर यू कमिंग मैग तुम वापिस कब आओगे मिसिज हिल कहती है आई हैव नो है आइडिया मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को कोई भी इस बात का पता नहीं है कि मैं वापस कब आऊँगी शायद ना भी आऊँ आई विल राइट एंड लेट यू नो मैं लिखूँगी तो मैं पता चल जाएगा कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी यानी कि उसको एक किस्म से हमेशा के लिए छोड़ने के जा रही है वो मिस्टर हिल कहते हैं बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी लेकिन तुम्हारे बाद मेरी देखभाल कौन करेगा मेरी लुक आफ्टर कौन करेगा मिसिज हिल कहती हैं दिर इज एनी एनी भी है यहाँ पे स्पीक टू हर नाइसली उससे प्यार से बात करना नाइसली बात करना अभी तक तुम रूडली बात करते आ रहे हो उससे नाइसली बात कर लेना एंड पर हैज विल स्टे और शायद वो रुक जाए वेल गुड बाय जॉर्ज ठीक है गुड बाय जॉर्ज राइट टू मी वैन यू हैव ए जॉब और जब तुम्हें जॉब मिल जाए दूसरी तो मुझे लिख देना तो शायद मैं आ जाऊँ मिसिस हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम मिसिज हिल रूम से बाहर चली जाती है मिस्टर हिल टू हिमसेल्फ अब मिस्टर हिल अपने आप से बात कर रहे हैं दिस इज़ ए टेरिबल आफ्टरनून ये तो बहुत बुरा आफ्टरनून का टाइम है आई हैव लॉस्ट माई जॉब मैंने अपनी जॉब भी खो दी है एंड नाउ माई वाइफ हैज़ गॉन टू और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा रही है चली गई है देर इज़ नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन और दरवाजे पे नॉक होती है और एनी अंदर आती है मिस्टिल बोलते हैं वट इज़ इट एनी एनी ये क्या है डू यू वॉन्ट टू लीव टू क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहती हो मुझे तुम भी मेरा घर छोड़ जाना चाहती हो मेरी जॉब छोड़ जाना चाहती हो एनी बोलती है लीव सर छोड़ के जाना सर आई केम अबाउट द टी सर मैं तो सिर्फ चाय पूछने के लिए आई थी सर इट्स ऑलमोट ऑलमोस्ट फोर ओ क्लॉक शालाई ब्रिंग टी टू ब्रिंग टी सर लगभग चार बजने को हैं सर क्या मैं चाय ले आऊँ सर मिस्टिल कहता हैं सो यू डोंट वॉन्ट टू लीव तो इसका मतलब तुम छोड़कर नहीं जा रही हो जॉब आर यू श्योर क्या तुम्हें विश्वास है क्या तुम पक तुम पक्की हो अपनी बात पे ये मेरी नौकरी चली गई है मैं मतलब अब तुम्हें पता ही है सारी बातें तो क्या तुम मुझे नौकरी छोड़कर नहीं जा रही हो एनी बोलती है नो सर अफकोर्स नॉट सर नहीं सर बिल्कुल भी नहीं आई एम वेरी हैप्पी हेयर मैं यहाँ पे खुश हूँ मिस्टिल बोलते हैं आई हैव लॉस्ट माई जॉब मेरी नौकरी चली गई है मैंने नौकरी खो दी है डिड यू नो दैट क्या तुम्हें पता था इस बारे में एनी कहती है यस सर मिसिज हिल टोल्ड मी हाँ सर मुझे मिसिज हिल ने मुझे बता दिया था मिस्टिल बोलते हैं एंड माइफ़ वाइफ हैज़ गॉन फॉर ए लॉन्ग हॉलीडे और मेरी पत्नी भी लंबी छुट्टी पर चली गई है मुझे छोड़ के एनी बोलती है आई नो सर मुझे पता है सर बट शी विल कम बैक लेकिन वो वापस आ जाएगी आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इज़ नॉट हेयर और मैं आपकी देखभाल करूँगी जब तक वो यहाँ पे नहीं आती वापस तब तक मैं आपकी पूरी देखभाल करूँगी मिस्टिल बोलते हैं आई वॉन्ट हैव मच मनी मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है पर हैव्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू और शायद मैं तुम्हें पे भी नहीं कर पाऊँ तुम्हारी पेमेंट भी नहीं दे पाऊँ सैलरी भी नहीं दे पाऊँ एनी बोलती है इट डजेंट मैटर कोई बात नहीं सर आई हैव सेव्ड सम मनी मैंने कुछ पैसा बचाया है सो आई डोंट नीड एनी नाउ और मुझे अब कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है बट आई वॉन्ट टू स्टे हेयर सर इट्स माई होम लेकिन मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है सर मिस्टर हिल बोलते हैं थैंक यू एनी एनी कहती है शलै ब्रिंग ट्री नाउ सर क्या मैं चाय ले आऊँ सर मिस्टर हिल बोलते हैं लेटर प्लीज़ इन अबाउट हाफ एन आवर बाद में ले आना लगभग आधे घंटे बाद एनी बोलती है वेरी वेल well, सर ठीक है सर एनी गोज़ आउट एनी चली जाती है मिस्टर हिल्स पुट हिज फीट ऑन द चेयर अगेन मिस्टर हिल दोबारा से चेयर पे अपने लेग्स को रख लेते हैं एंड क्लोज इज आई और अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा सीन सेकेंड खत्म होता है सीन थर्ड में देखते हैं अब आगे लास्ट लास्ट सीन है इस लेसन का इस प्ले का मिसिज हिल कम्स इन टू द रूम मिसिज हिल रूम में अंदर आती हैं हर हस्बैंड इज स्टिल असलीफ उसके पति अभी भी सोए हुए हैं मिस्टर हिल बोलते हैं जॉर्ज इट्स ऑलमोस्ट हाफ पास्ट फोर लगभग साढ़े चार बजे का टाइम है मिस्टर हिल वेकिंग अप सॉरी यहाँ पे मिस्टर हिल दिया हुआ है मिसिज हिल बोलती हैं जॉर्ज उसकी आवाज़ उठाती है जॉर्ज बोल के लगभग साढ़े चार बज चुके हैं जॉर्ज उठ जाओ मिस्टर हिल जागते हुए कहते हैं वट्स दैट क्या हुआ हाफ पास्ट फोर साढ़े चार ओ इट्स यू डियर ओ ये तुम हो डियर उसने सोचा था अब कि वो तो चली गई लेकिन असली में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर किसी ड्रीम की बात हो रही है अब देखते हैं वो क्या है मिसिज बोलती है येस अफकोर्स इट्स मी हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ तुमने क्या सोचा था मैं नहीं हूँ मिस्टर हिल कहते हैं देन यू हैव गोन टू द योर सिस्टर लेकिन तुम तो अपनी बहन के पास चली गई थी मिसिज हिल बोलती हैं वट आर यू टॉकिंग अबाउट तुम क्या बात कर रहे हो आई हैवेंट बीन आउट ऑफ द हाउस मैं तो घर से बाहर भी नहीं गई यू हैव बीन अस्लीप ऑल द आफ्टरनून तुम पूरी दोपहर सोते रहे हो मिस्टर कहते हैं है भाई क्या ऐसा था देन आई वॉज ड्रीविंग इसका मतलब जो मैंने सब कुछ वो महसूस किया नौकरी छोड़ना उनका आना एम्प्लॉज़ का उसके कलीग्स का और उसको कहना नौकरी छोड़ने के लिए जॉब छोड़ने के लिए उसकी पत्नी का चला जाना वो सब क्या था उसका ड्रीम था तो आई वॉज़ ड्रीमिंग मैं तो सपना ले रहा था ही रिमेंबर्स द ड्रीम और वो उस भयानक सपने को याद करता है इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट ड्रीम ये बिल्कुल भी अच्छा सपना नहीं था तो यानी कि वो सारी जो बातें हो रही थी वो सारी उसके ड्रीम में हो रही थी सपने में तो देखते हैं आगे बी हिल बोलती है यू मस्ट टेल मी अबाउट इट मुझे ज़रूर बताओ तुम्हारे सपने के बारे में ऐसा क्या था शैल वी हैव टी नाउ क्या हम चाय ले लें मिस्टर हिल कहता है दैट्स ए गुड आइडिया ये अच्छा आइडिया है आई नीड ए कप ऑफ टी मुझे कप चाय की जरूरत है मिसिज हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी मिसिज हिल बेल बजाती है एनी को बुलाने के लिए मिस्टर हिल कहते हैं बाय द वे डियर हैव यू स्पोकन टू एनी एट क्या तुमने एनी से इस बारे में बात की क्योंकि उसके सोने से पहले उनकी डिस्कशन चल रही थी एनी को हटाने के बारे में जॉब से अब वो पूछता है क्या तुमने एनी से उस बारे में बात की कोई क्या तुमने उसको बता दिया जो मैंने तुमसे कहा था उसके कहने के लिए मिसिज हिल कहती है नॉट येट नॉट नॉट येट अभी तक नहीं गिव मी ए चांस मुझे एक चांस दो आई हैव बन बिजी मैं बिज़ी थी बट आई हैन फॉर गटन लेकिन मैं भूली नहीं थी आई विल टेल यू टेल हर दिस इवनिंग मैं आज शाम उसे बता दूंगी इस बारे में कि तुमने कहा है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए मिश हिल कहते हैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन मैंने दोबारा इसके बारे में सोचा पर हैप्स वी ओ टू कीप हर शायद हमें उसे वापस रख लेना चाहिए उसे हटाना नहीं चाहिए उसे रहने देना चाहिए शी शीज बिन अस ए लॉन्ग टाइम हमारे पास वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है एंड शी मे नॉट गेट ए न्यू जॉब और शायद उसे नई जॉब भी ना मिले और दोबारा वो वही बात कर रहा है जो मिसीज हिल पहले बात कर रही थी अब उसको बदल गया क्योंकि सपने में उसने अपने लिए वो सब देखा जो उसने एनी के बारे में सोचा था अब उसको बुरा लगा तो उसने बात अब यहाँ पर बदल दी है मिसिजिल सरप्राइजिंगली पूछ रही है आई टोल्ड यू दैट डियर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस बारे में डियर मिस्टिल कहता हैं आई एग्री विद यू नाउ अब मैं तुम्हारे साथ इस बात पे एग्री हूँ बिल्कुल सहमत हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी अफकोर्स शी इज ऑन गुड कुक सही बात है कि वो अच्छी कुक तो नहीं है बट शी वर्क्स हार्ड लेकिन वो मेहनत बहुत करती है मिसिजिल कहती है येस शी वर्क्स हार्ड हाँ बिल्कुल वो मेहनत करती है मिस्टिल कहते हैं परहैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस शायद उसे घर में काम में हेल्प की जरूरत है वी कैन गेट सम वन हम किसी और को उसके साथ रख लेंगे ताकि उसकी मदद करे वो हिल कहती है दैट्स ए नाइट्स आइडिया ये एक अच्छा आइडिया है एनी विल लाइक दैट एनी को भी ये पसंद आएगा किसी हेल्प करने के लिए कोई रखा जाए बट वट अबाउट योर डिनर्स लेकिन तुम्हारे डिनर्स का क्या होगा जो तुम अपने फ्रेंड्स के लिए अपने कलीग्स के लिए रखते हो उनका क्या होगा उनके लिए खाना कौन बनाएगा क्योंकि तुम्हें तो उसका खाना पसंद ही नहीं है हु विल कुक वैन योर फ्रेंड्स कम और जो तुम्हारे दोस्त आएँगे तो कौन कुक करेगा तुम्हारे लिए मिशील बोलता है ओ द डिनर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट डिनर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वी वॉन्ट आज पीपल वेरी ओफन हम लोगों से ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं डिनर के बारे में आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ आई नेवर लाइक दो डिनर्स और मुझे ऐसे डिनर्स ज़्यादा पसंद भी नहीं हैं आफ्टर मोमेंट कुछ टाइम बाद बट जॉर्ज वाई हैव चेंज टर्नली अब वो मिसिस हिल को समझ नहीं आ रहा है कि वो बदल कैसे गया मिस्टर जो हिल है वो पूछती है कि तुम इतने अचानक से ऐसे चेंज कैसे हो गए यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ तुम बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हो उठने के बाद अब तुम्हारी थिंकिंग चेंज कैसे हो गई मिस्टर हिल कहता है एम आई क्या मैं बदल गया हूँ आई एम ग्लैड यू से देट तुमने कहा तुम खुश हो मिसिज कहती है वॉज इट योर ड्रीम क्या ये तुम्हारा सपना था यू मैल में अबाउट इट तुम मुझे ज़रूर बताओ इस बारे में मिस्टर हिल कहता है मतलब क्या तुमने सपने में ये सब कुछ देखा है कुछ सपने में कुछ तुमने जरूर देखा है तो मुझे बताओ सपने में क्या हुआ जिस तुम चेंज हो गए हो मिस्टर हिल कहता है नो आई डोंट नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट नहीं मैं सपने के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता बड़ा ही बैड ड्रीम था बट आई वॉन्ट फॉर गेट इट लेकिन मैं इसे बिल्कुल कभी नहीं भूलूंगा अब इसके बाद एनी कम्स इन द रूम एनी चाय ले आती है कमरे में आती है एनी कहती है शेल आई ब्रिंग ए टी नाउ मैडम क्या मैं चाय ले आऊँ मैडम और लास्ट बार उससे पूछती है तो यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्ले समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा इससे एक मैसेज भी हमें मिलता है कि हमें दूसरों के बारे में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उस जगह पे अपने आप को रख के सोचना चाहिए कि उसकी जगह पे अगर आप हो तो आपको क्या महसूस होगा उसके बाद ही हम दूसरों के बारे में मेनली uh, main, जो हमसे जूनियर हैं हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनके बारे में डिसीजन लेने चाहिए तो थैंक यू स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में